आपके हाथ सलामत रहे भाभी। शुक्रिया मेरी बहन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके हाथ सलामत रहे खातून। आप भी सलामत रहे। चलो शुरू करो मेरे भाई, खाना खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर वाफियत हो। मेरे भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या हो गया है? सरदार उस्मान के सिपाही हो तुम? मेरे भाई तुम्हें अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है, समझे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद कैसे कह सकते हो तुम ये? देखो गोक्तुक, अब तुम बेवकूफाना बात कर रहे हो। जब भी सरदार को हमारे मुत्तहिद होने की जरूरत होती है ना, हम मगरूर हो जाते हैं। कतालोनियों की लाशें आने पर भी तुमने अच्छा बर्ताव नहीं किया था, क्या कर रहे हो तुम ये? गुरूर मुझ में नहीं है बुरहान, अगर गुरूर है तो तुर्कों साहब में। जब वो लाशें लेकर आए तो सबने देखा था कि किस कदर हवा में उड़ रहे थे वो। तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। मेरे हुजूर तमाम कबीलों को मुत्तहिद करना चाहते हैं। तुर्कुत साहब हमारे साथ हैं इस बात से खुश होने के बजाय तुम खुद को मुश्किल में डाल रहे हो। मेरे भाई दुश्मन एक है और हम भी एक हैं, ऐसा मत करो। चलो मान ली मैंने तुम्हारी बात, ठीक कह रहे हो तुम, मगर मुझे जिससे मसला है वो बस कर दो तुम। हमारे सरदार जिसे इज्जत देंगे उसे इज्जत देना हमारा फर्ज है। आखिर ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो? चलो मेरे भाई अब खाना खाओ तुम। ठीक है, तुम कहते हो तो ऐसा ही सही। आसानी हो मलहून खातून। बहुत शुक्रिया बाला, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बाला इसे मत उठाओ। आला जा। ओहो, क्या तुम्हें भी जंग पर जाना है आला जा? पीछे नहीं रहना ना तुम्हें भी। हाँ बस थोड़ा सब्र करो आला जा। जब बाला खातून का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो फिर वो भी जंग में शरीक हो सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मलहून खातून। औरहान, मेरा बेटा औरहान, औरहान मेरा बच्चा, मेरा शेर बेटा। अरे तुम तो ठंडे हो रहे हो। मुझे पकड़ा दे, मैं इसे गर्म कपड़े पहना देती हूँ, आप परेशान ना हो। और हान की वालदा बाला अब इसका ख्याल रखेगी, अब मुझे फिक्र की जरूरत नहीं।
जानती हूँ तुम इसे बहुत प्यार करोगी। ऐसा ही है। अच्छा, जब आप सब जंग लड़ रहे होंगे तो हम सब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। तुम्हारा रास्ता आसान और तलवार तेज हो मलून खातून। बहुत शुक्रिया माला खातून। चरखुताएं। जी हुजूर। चलो तुम जाओ, लेकिन अपनी आंखें खुली रखना। अब गांव की सूरत हाल क्या है देखो जाके, कैसे हालात हमारे मुंतजर हैं। जैसे आपका हुक्म जनाब, इजाजत दें बस। चलो। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं मलहून खातून? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? क्या हुआ? पुरसुकून हो जाओ गोगचे। ये तुम अकेली खड़ी खुद से क्या बातें किए चली जा रही हो, बताओ जरा। मुझे बहुत काम है बहादुर साहब, जाएं किसी और से बात करें। गोगचे खातून, तुम्हारा ताल्लुक कजील कबीले से है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम बिल्कुल तब से वैसी ही हो। बताओ तो जरा, इस तरह नीचे क्यों देख रही हो? अपना सर ऊपर करो। ये लो, ये लो। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी देखोगी तुम्हें याद आएगा तुम कौन हो। आधे लोग उस तरफ जाके पहरा दो और आधे लोग इस तरफ जाके ध्यान रखे, और कुछ लोग उस तरफ भी जाके देखो, और तुम लोग दरवाजे की हिफाजत करो। जनाब ग्रेगोर, लोग आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, कल आपकी बातों ने काफी असर किया, मगर इससे सिर्फ उस्मान को फायदा होगा। ऐसा नहीं लगता कि आप इनकी ज्यादा ही मदद कर रहे हैं? अंदर यास, उस्मान को फायदा लेने दो। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम बात उस्मान का भरोसा जीतना है। मैंने तुम्हें बताया था। उस तरफ जाके देखो फौरन। देखें जनाब, गलियों और बाजारों में निकोला के सिपाही नजर आ रहे हैं।
कल तक तो इतने सिपाही नहीं थे। हो सकता है ये भी उस्मान का मंसूबा हो। ये उस्मान आखिर क्या चाहता है, उसकी नीयत को समझना होगा। हे माशाल्लाह मलहून, अंदाजा हो रहा है कि तुम कितनी पुरजोश हो जंग के लिए। मैं बहुत पुरजोश हूँ, बहुत अरसा हो गया हम एक साथ जंग पर नहीं निकले, मुझे वो याद आ गया। ऐसा ही है। चरकुताय गांव जहन्नम की तरह हो गया है, हर तरफ सिपाही फैला दिए गए। तो क्या हुआ चरकुताय, खौफ सदा तो नहीं हो गए हो? मैं सरदार उस्मान का सिपाही हूँ, जब हम आपके साथ होते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता। ऐसा ही है। सिपाहियों, जिस किसी ने भी कई सिपाहियों को रोकने की कोशिश की और ताजिरों के साथ मसाइल पैदा करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा और उस पर कोई रहम नहीं होगा। अगर तिजारत रोकने की कोशिश की उन्होंने तो हम उनके काफिले पर हमलावर होंगे। फौरन। जी हुजूर। नक्शा लेकर आओ फौरन। जैसे आपका हुक्म। अब मेरी बात सुनो गौर से। उस वक्त बाजार खुला होगा और बहुत रश होगा। आप लोग आसानी से दाखिल हो सकते हैं। उनके हर सिपाही के पीछे मेरा एक सिपाही होना चाहिए। चरकुताय, तुम सीढ़ियों के जरिए तंग रास्ते की तरफ दाखिल हो जाना। तुम जानते हो कि तुम्हें कैसे छुपना है। मलहून, आइगुल, तुम दोनों उनकी ख्वातीन के जैसा भेष अपनाओगे। मैं भी सिपाहियों के साथ वहीं पर मौजूद होगा। पहले गश्त करते हुए सिपाहियों को पकड़ना है। हर चाल हमें खामोशी से चलनी होगी, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। उनकी गर्दनों के गिर्द रस्सी बांधी जाएगी।
सिपाहियों जल्दी आओ। हमारे सिपाहियों को यहाँ मार दिया है। जल्दी फौरन यहाँ से निकलो। हुआ है खुदावन हमारी हिफाजत कर। कहाँ चले गए? किसने की ये हरकत? कौन हो सकता है? ढूंढो, तलाश करो हर जगह। वो जो कोई भी है यही कहीं छुपा हुआ है। पकड़ो इसे, तलाश करो, ढूंढो। हमारे सिपाही पर सबसे हमारे आदमी है। ये तो उस्मान और उसके सिपाही भाग रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, वो भागने ना पाए। जल्दी एहतियात से। कहाँ है वो? किस तरफ चले गए? ढूंढो उन्हें। कहाँ गए वो? यही कहीं छुपे हैं वो लोग। चलो अंदर यहां से। अल्लाहु अकबर। सिपाहियों, हर किसी को मैदान में जमा करो। जल्दी, जैसे आपका हुक्म हुजूर। अब मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे यहां क्यों भेजा था उस्मान साहब। अगर ऐसा है तो अच्छा है पादरी ग्रेगो, यही बस वो चीज है जो कि मैं देखना चाहता हूं।
ईसाई लोग काई कबीले के झंडे तले इकट्ठे हो जाएंगे। अब से आ जाओ। क्या हुआ आर्गोस? क्या तुम्हें डर लग रहा है उस्मान से? जनाब, आपने कहा था कि वो गांव में हो सकते हैं। हाँ, हमने गांव में बहुत से सिपाही भेज दिए थे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल जनाब। तो फिर तुम्हें परेशानी की कोई जरूरत नहीं। डरपोक इंसान बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। अगर उस्मान हमारा गांव में इंतजार कर रहा है तो उसे थोड़ा और इंतजार करवाते हैं, ताकि वो इंतजार करके बेसब्रा हो जाए। देखते हैं। अब सुनिए, अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं, काई कबीले से। बहुत से लोग तो जानते होंगे मुझे, और वो जो मुझे नहीं जानते वो भी जान जाएंगे अब से। हम जिस सरजमीन को फतह करते हैं उसे बर्बाद नहीं करते, तामीर करते हैं, उसे वतन बनाते हैं। हमारा ईमान है कि जो जुल्म करके आबाद होता है आखिरत में बर्बाद होता है। यही वजह है कि हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ है। हम मानते हैं वही जो उसका कानून हो। और जान लो कि अब से माल और जर, ये जाने और ये अकीदे मेरी हिफाजत में। सुना तुमने? तो बहुत बड़ी खबर है, अब तो हम सुकून से जिएंगे। मैं सुलात आधे कर दिए गए ताकि आपको मजीद परेशानी ना। इससे तो हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लोगों, मैं थोड़े ही अरसे से उस्मान साहब के साथ हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे कैद नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। उस वक्त मैंने यही देखा है कि उस्मान साहब के झंडे तले कोई भी कैदी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आजादी और अदल इंसाफ होता है।
अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता, नहीं तो सुकून के साथ अपना काम कीजिए। खुदावंद आपकी हिफाजत करे। चलो उस्मान साहब, अगर पादरी ग्रेगोर आपका साथ दे रहे हैं तो हम भी आपका साथ देंगे। सलामती हो, किलेदारों का जुल्म सह चुके हैं, यहां से हमें कोई शिकायत नहीं। हुजूर, निकोला का काफला बस पहुंचने ही वाला है। आने दो उन्हें, आने